हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ टुडे क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर टेंसेस। टेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश। विदाउट टेंसेस वी कैन स्पीक इंग्लिश। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर टेंस। वी नो टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है। सेकेंड है पास्ट, जो काम हमने पास्ट में किया, जो बीत चुका है। फ्यूचर, जो काम होने वाला है, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे। सो आज हम सिर्फ जो हमारे प्रेजेंट टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस की सभी टाइप पढ़ेंगे। इनको मैं आपको एक बार एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो कि कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है। जाता हूँ, तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? प्रेजेंट टेंस। ये हमें पता चलता है आ जाता है लास्ट में, ठीक है। दा है, दी है आ जाता है, हिंदी में ता है, ती है आ जाता है। सो नेक्स्ट इसी टेंस को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। सो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट, क्योंकि काम हो चुका है। थर्ड है मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा टाइप आ गया आपकी? फ्यूचर, क्योंकि आप स्कूल जाओगे, गा है, गी है। सो ये होते हैं हमारे। सो इसी को और एग्जांपल से देखो। सीता खाना पकाती है कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट टेंस आ गया। सो नेक्स्ट इसी को देखो आगे वाले। सीता ने खाना पकाया था, पास्ट टेंस। पकाया था मतलब कि वो खाना बना चुकी है या पका चुकी है, वो हो गया पास्ट। अब इसी को अब हम अगर फ्यूचर में करेंगे तो हम बोलेंगे सीता खाना पकाएगी, मतलब कि काम फ्यूचर में होगा। सो इसको हम टेंसेस को चार्ट के द्वारा करते हैं। हमने देखा कि तीन टेंस टाइप्स होते हैं, मेनली हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके आगे सब पास्ट होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड आता है कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टोटल मिला के होते हैं 12 टेंस। मेन तीन है, उनके आगे चार सब पार्ट हैं। सो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। सो टोटल हमारे हैं 12 जो हमने रीड करें। बट हम इस वीडियो में ओनली प्रेजेंट पार्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ तीन होती है हमारे पास चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारे सबसे पहले लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? गो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। नेक्स्ट देखो वर्ब, वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। बच्चे वर्ब जो है आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगे, इनको याद करने का कोई ये नहीं होता कि कोई मेथड हो, इनको लर्न करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट, जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। तो ये मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनको देख के हमने रिवाइज करना होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ये है हमारे सब्जेक्ट। बाद में हम देखेंगे वर्ब। वर्ब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी टेंस करने, सेंटेंसेस करने, इंग्लिश बोलनी है, वर्ब का बहुत इम्पॉर्टेंस है। सो वर्ब यहाँ पे रूल में क्या लगेगा? या तो सब्जेक्ट लग सकते हैं, ही, शी, इट या नेम आएगा। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस और ईएस लगेगा। जैसे वर्क, वर्क्स, लिव, लिव्स, प्ले, प्लेज। प्रेजेंट सिंपल आगे फॉर्म, जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट नेम आ जाए, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और प्लूरल में आ जाए आई, यू, वी, दे, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। देखो एग्जांपल, ही वॉचेस
टीवी, वॉच फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओडीएस, आगे आई आई हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, उनके साथ एसओडीएस नहीं लगेगा। आपने ये याद रखना है, ही शी इट या किसी का नेम आ जाए, मेनली जो सिंगुलर थिंग्स हैं उनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओडीएस लगाना है, इसलिए हमने लगाया ही वॉचेज टीवी। जैसे हमने पहले बता चुके हैं ही शी इट नेम के साथ ये आता है, और आई जो कि प्लूरल है, आई यू वी दे, इनके साथ अकेले फर्स्ट फॉर्म आएगी, एसओडीएस नहीं आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपने ये याद रखना है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म, एसओडीएस और ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन है, नेम है, ऊपर लिखा भी हुआ है ना नेम के साथ भी, और यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओडीएस नहीं आएगा। शी प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ही कट्स वेजिटेबल्स, दे कट वेजिटेबल्स। सो ये मैं एग्जाम्पल से द्वारा आपको समझा रही हूँ, आपने ध्यान से इनको देखना है और इनको लर्न करना है। प्रेजेंट सिंपल वेरी इजी है। नेक्स्ट हम इसको नेगेटिव फॉर्म में करेंगे। नेगेटिव मीन्स नॉट, जिसमें नॉट लगा हो कि नहीं, नहीं लगा हो। सो डू एंड डज कहाँ पे लगता है वो भी आपको बताएंगे। सेम फंडा है जैसे हमने पीछे किया हुआ है, डू प्लस ई एस क्या बन जाता है, डज। जहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया वैसे ही डज आ जाएगा। जहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है वहाँ पे डू आ जाएगा। जैसे देखो, डू और डज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सो देखो कैसे बनेगा ये। सिंगुलर थिंग ही शी इट नेम के साथ हमने डज नॉट लगाना है, नॉट मतलब नेगेटिव, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लूरल थिंग आई यू वी दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऊपर देखो ध्यान से कि फर्स्ट फॉर्म ही शी इट नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने ऑब्जेक्ट नेगेटिव आ गया तो हमने डू और डज नॉट का प्रयोग कर देना है। सिंगुलर के साथ डज लगाना है और प्लूरल के साथ डू लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है, और लास्ट में हमने यूज करना है हमारा ऑब्जेक्ट। सो एग्जांपल से देखो, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, देखो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। रमेश नेम है, डज नॉट वर्क इन द बैंक नेम है, इसलिए डज नॉट लगा रहे हैं। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो इनको ध्यान से देखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी की प्लूरल फॉर्म में, दे डू नॉट वर्क इन द बैंक, दे डू नॉट वर्क इन द बैंक। शी डज नॉट वेयर जीन्स, शी सिंगुलर है, आई डू नॉट वेयर जीन्स, आई प्लूरल में आता है बेटा, याद रखना है, आई डू नॉट वेयर जीन्स। सो नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, जिसमें क्या होता है क्वेश्चन मार्क आते हैं, जहाँ डब्ल्यू एच फैमिली वाले आ जाएंगे उनको इंट्रोगेटिव के बोलते हैं, और वो हमने करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे हमारी डू एंड डज नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, डू डज आ जाएगा आपके आगे, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, फिर वही सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डू डज आगे कर देना है, सब्जेक्ट पीछे पीछे। डू यू स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर ही डालना है। डू प्लूरल है इसलिए डू लग गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसको ध्यान से याद रखना, इंट्रोगेटिव में डू डज आगे आ जाते हैं और नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट यूज होता है। डज शी स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट पीछे चला गया, डू डज आगे, डज आगे आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, डू डज। ही शी इट नेम के साथ डज आएगा, ही शी इट के साथ, आई यू वी दे के साथ डू, मेनली सिंगुलर के साथ डज, जैसे सिंगुलर के साथ एसओडीएस डालते थे। सो देखो डज एग्जांपल देखो, और डज शी लाइक ऑमलेट, डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू डज लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल प्लूरल के साथ, डू यू लाइक ऑमलेट, डज शी नो इंग्लिश, Do we know English? Does he play video games? Do we play video
गेम, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस विद डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज, हाउ, हुम। जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। देखो इनका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड आएगा प्लस डू डज आएगा और प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा और प्लस प्लस क्या आएगा बेटा बोलो, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। ही, शी, इट और नेम के साथ डज, आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज करेंगे हम, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना डब्ल्यू एच फैमिली बारे में, पहले डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड आएगा, जैसे एग्जाम्पल वेयर डज शी लिव, वेयर हमारा डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डज आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगाना है, बार बार बोल रहे हैं, सब्जेक्ट को देके वर्ब का जो की हेल्पिंग वर्ब डज लगनी है कि डू लगनी। वेयर डू यू लिव, सिंगुलर में डज, प्लूरल में आपने क्या यूज करना है, डू। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, वाई डू यू क्राई, वाई डू यू क्राई, डब्ल्यू एच फैमिली, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। कई बार ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, कई बार सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे हमने। प्रेजेंट सिंपल हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी वेरी इजी है, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन जो काम चल रहा है, काम चल रहा है जो कि अभी भी हो रहा है, जैसे हम टेंसेस कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, ये भी हमारा कंटिन्यूस में आ रहा है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। अब ध्यान से देखो कि इज एम आर कहाँ पे आता है, ही, शी, इट, नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ, सॉरी आई के साथ आर था और प्लूरल के साथ एम। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर और इसको किसको देके लगाना है, ही, शी, इट, नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू, वी, दे के साथ क्या आ जाएगा, आर, सिंगुलर और प्लूरल को याद रखना है, हर बार इसी को देख के हमने अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं। फिर हमारी आ जाएगी मेन वर्ब और फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। वैसे जिसको आई एन जी लगा दें उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं बेटा, सॉरी फोर्थ फॉर्म हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी आपका सब्जेक्ट है, शी के अकॉर्डिंग इज आ गया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया जो कि हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, शी इज लर्निंग इंग्लिश, सिंगुलर को देख के हमने इज लगाया है ही, शी, इट और नेम के साथ। जैसे आई के साथ हमेशा आता है एम, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट करते हैं जिसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें सेम ही रहेगी इज एम आर, इसी को यूज करना है इंट्रोगेटिव में। जो हमारा इज एम आर है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ गया हमारा आई एन जी और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी को देख के हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इज शी मेकिंग टी, इज शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई मेक है, मेकिंग बन गया, आई एन जी साथ में आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया टी। सो देखो इसको ध्यान से आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, वेरी इजी है। इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आगे आ गई, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट, फिर हमने लगा गया फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर यू मेकिंग मी फूल, आर यू मेकिंग टी, ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एम आई लुकिंग गुड, आपको इज एम आर के अकॉर्डिंग सभी एग्जाम्पल करवा रहे हैं। लुकिंग वी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो देखो इसकी
एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंट्रोगेटिव फॉर्म करेंगे हम, जो कि है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर आएगा आपका, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एन जी और प्लस हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो हम अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। वेयर इज शी लिविंग, वेयर इज अवर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर आ गया इज, फिर आ गया सब्जेक्ट और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, वेयर इज शी लिविंग, डब्ल्यू एच फैमिली है वेयर। नेक्स्ट देखो इसकी और एग्जाम्पल, जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वेयर आर यू लिविंग, प्लूरल में आर, वेयर आर यू, वेयर आई एम आई डूइंग, वेयर